सब्सक्राइब कीजिए नेहा की पाकशाला चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा पांडे और स्वागत है आपका मेरी किचन नेहा की पाकशाला में। आज मैं आपके साथ हरे चने की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कि छोलिया की सब्जी भी कहते हैं। और ये जो हरे चने हैं, ये अभी आपको इजीली मार्केट में मिल भी जाएंगे और आप फटाफट इनकी सब्जी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि सिंपल सी सब्जी को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हरे चने की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम हरे चने लिए हैं। ये हरे चने आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। 3 मीडियम साइज के आलूओं को छीलकर और अच्छे से धोकर थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है। 2 बड़े साइज के टमाटरों को एकदम बारीक बारीक चॉप करके लिया है। आप चाहें तो टमाटरों को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। जीरा हमने लिया है 1 छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, जिंजर चिली पेस्ट 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच। मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे सब्जी का कलर तो अच्छा आएगा ही, साथ ही साथ सब्जी में थोड़ा सा तीखापन भी आ जाएगा। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 छोटी चम्मच के बराबर तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। हींग 2 चुटकी, तेल हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच लिया है और जो नमक है वो आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून के बराबर नमक लिया है। तो चलिए हम हरे चने की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। इस सब्जी को हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, तो पहले गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अब कुकर में तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है तो गैस को मीडियम लो कर देंगे, जिससे कि जो मसाले हम इसमें डालें वो जले नहीं। अब इसमें ये 1 तेज पत्ता डालेंगे और तेज पत्ते को तेल में थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हींग, जीरा, साथ ही में जिंजर चिली पेस्ट भी डाल देंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सारे मसालों को तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर, साथ ही में नमक भी डाल देंगे। टमाटरों को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे करेंगे और कुकर को ढक्कन से ढक देंगे और टमाटरों को थोड़ा सा बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि इनसे तेल न छूटने लगे। टमाटर पक गए हैं तो हम ढक्कन को हटा लेंगे और आप देख सकते हैं कि इनसे तेल छूटने लगा है। तो एक बार हम इनको अच्छे से चला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हरे चने। पहले चनों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चनों को मसाले में मिक्स करने के बाद अब इसमें आलू डालेंगे और आलू को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, वापस से एक बार मिक्स करेंगे। हरे चने ज्यादा पानी नहीं सोखते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा पानी न डालें। सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे। गैस को हाई फ्लेम पे करेंगे और इसमें 2 सीटियां आने देंगे। कुकर में 2 सीटियां आ गई हैं तो हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए और पकने देंगे। 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पर इसको पकाने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है तो कुकर को हम खोल लेते हैं। एक बार हम सब्जी को अच्छे से चला लेंगे और ये जो ग्रेवी है सब्जी की वो ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ी है और ना ही बहुत ज्यादा पतली है, और जो चने और आलू हैं वो भी अच्छे से पक गए हैं। आखिरी में इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी बेहद स्वादिष्ट हरे चने की सब्जी बनकर के तैयार हो गई है। ये सब्जी खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है
और बहुत ही आसानी से फटाफट बहुत ही कम चीजों के साथ बनकर के तैयार भी हो जाती है। आप इस सब्जी को रोटी, पूड़ी, पराठे या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। हर किसी के साथ ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो आप इस सिंपल और स्वादिष्ट हरे चने की सब्जी को बनाइए और लंच या डिनर में अपनी पूरी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।